हेलो दोस्तों, मैं मुकेश डिंगरा अपने यूट्यूब चैनल देसी कॉकटेल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज मैं जिस विस्की का रिव्यू करूँगा वो बहुत ही फेमस विस्की है, अपन इंडिया में उसे बहुत लोग नहीं पहचानते हैं और उसका नाम है फेमस ग्रूस विस्की। ये जो विस्की है ये स्कॉटलैंड में बहुत ही फेमस विस्की है और स्कॉटिश लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा यही विस्की बिकती है, द फेमस ग्रूस विस्की, हाईएस्ट विस्की यही सेलिंग है। तो गाइस, ये जो फेमस ग्रूस विस्की है ये 1896 में बनी थी और इसे स्कॉटलैंड में बनाया गया है और काफ़ी जल्दी ये इतनी फेमस हो गई कि इसका नाम उन्होंने आगे चलकर द फेमस ग्रूस विस्की रख दिया। पहले इसका नाम सिर्फ ग्रूस विस्की था, बाद में इन्होंने आगे द फेमस कर दिया क्योंकि वहाँ स्कॉटलैंड में ये बहुत ही फेमस विस्की हो गई थी। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो भी बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, जैसे बार्ले, वाटर, फ्रूट्स, ये हनी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं और कई सारे सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंडेड करके बनाया हुआ है, सिंगल मॉल्ट विस्की उसको। तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इंडियन में काफ़ी लोगों को ये विस्की मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, मैंने 750 ml की बोतल पूना में से 2100 में ली है और बहुत ही रेट भी रिजनेबल है, एक अच्छी ब्लेंडेड विस्की है। जैसे कि आप अभी वो लेंगे 100 Piper, टीचर्स, ये भी नियर अबाउट सेम रेट है 2500-2600 की और इसका रेट उलट कम है, 2100 है, पर टेस्ट में एकदम बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। इसके ऊपर एक लोगो भी दिया हुआ है, ये जो लोगो है तितर का लोगो दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर तितर लोगो है और काफ़ी लोग यूके में इसमें बहुत फेमस है, यूके में भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के लोग भी तितर बहुत पसंद करते हैं खाने में। तितर एक बहुत ही टेस्टी है, पक्षी रहता है छोटा और वो खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। जैसे वो तितर को पसंद करते हैं वैसे वहाँ के लोग ये फेमस ग्रूस विस्की को भी बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं खोल कर आपको नोजिंग और टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो चलिए अब दोस्तों, मैं आपको नोजिंग करके बताता हूँ कि उसमें से मुझे क्या नोट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें से मुझे टॉफी की खुशबू ज़्यादा आ रही है और कैरामेल के भी ज़्यादा आ रही है खुशबू और थोड़े मुझे इसमें से फ्रूट्स के नोट्स आ रहे हैं, जैसे कि एप्पल फ्रूट्स और हनी, हनी के नोट ज़्यादा मिल रहे हैं दोस्तों। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है दोस्तों, इसमें से मुझे कॉफ़ी के नोट्स मिल रहे हैं और साथ में मुझे एप्पल के थोड़े नोट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों, थोड़ा कैरामेल का खुशबू आ रहा है, कैरामेल के नोट्स भी आ रहे हैं और हनी के नोट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो गाइस, अब हम वाटर यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी विस्की है दोस्तों, एकदम गले में से ऐसे बहुत ही स्मूथ विस्की है और पानी डालने से थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें से मुझे कॉफ़ी के नोट ज़्यादा आ रहे हैं, चॉकलेट टाइप ऐसे नोट्स आ रहे हैं और हनी के नोट्स भी मिल रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका जो अल्कोहल वैल्यूम है वो भी 40% ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप पीने से आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं अभी पहले नहीं, अभी अभी मैंने ट्राई की है, थोड़े दिन पहले ही मुझे कमेंट किसी ने बोला था कि कमेंट करके बोला था कि ये ज़रूर इसका रिव्यू करना, तो मैंने आज इसका रिव्यू किया है द फेमस ग्रूस का। तो आप इसे ज़रूर आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये विस्की कैसे लगी है। एक शायरी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। दूसरों के लिए खराब ही सही, हमारे लिए तो शराब बन जाती है। दूसरों के लिए खराब ही सही, हमारे लिए तो शराब बन जाती है। 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बन जाती है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जाते जाते मैं यही कहूँगा, जीना जरूरी है, पीना नहीं। गुड बाय एंड चीयर्स।